क्लास सिक्स में हमने कविता पढ़ी थी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, केदारनाथ अग्रवाल का। मुझे देखल सी लिए सी सकल सी, हिलाया झुलाया गिरा पर नकल सी। रास्ते में देखिए जिसको जयराम बोरा मिक्स कॉम्बो खेती, अब क्या क्या दिखेगा। जौ आप चढ़ गई तो इतना नीचे से लगा चुके हैं, नीचे नदी केटू चढ़ने के बराबर था। हाँ, गांव के लिए तो केटू है। तो हमारे गांव का केटू यही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं अपने गांव आया हुआ हूँ। ये होली वाला वीक है, इसके लिए छुट्टी का वीक जिसे मैं आया हूँ। ये स्कूल एरिया था जो आप पहले भी देख चुके हो, गांव से पूरब की तरफ मैं हूँ स्कूल के पास। और यह है एक व्यू, और यहाँ से हम लोग एक रामखैरी पहाड़, मेरे गांव के सटा हुआ जो पहाड़ है वहाँ पे जाने का है। तो पहाड़ मैं आपको दिखलाता हूँ, ये देखिए। और इसी पहाड़ पे जाने का प्लान है, तो आज मॉर्निंग वॉक करते करते हम लोग पहाड़ तक जाएंगे। उसी सामने पहाड़ दिख रहा था, वहीं पे आज मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक क्या मतलब, घूमने जा रहे हैं सुबह सुबह। और हमारे साथ है जयराम, आपको दिख रहा होगा एक साइड, आप इस पप्पू पप देख चुके हो। तो आज बहुत दिन के बाद ब्लॉगिंग किया जाए, पहाड़ पे चढ़ते हैं। और ये खेसारी की खेती अभी कम्प्लीट हो चुका है, और बेसिकली ये खेसारी काट कर रखा हुआ है, लोग भूसा बनाएंगे। तो दिख रहा आपको इस टाइप का खेसारी, और मैं दिखला रहा हूँ अभी इसको कैसे लोग काटते हैं। आगे में हो रहा है कटाई, पीछे बुआई हो या कटाई हो रहा है बेसिकली खेसारी का। इस टाइप से गाज जैसा आपको दिख रहा होगा, छोटा छोटा जमीन में सटा हुआ रहता है। ये देखिए पूरा ये कटाई, खेसारी की कटाई। और रास्ते से होते हुए हम लोग जाते हैं उस पहाड़ पे, और आज चढ़ेंगे रामखैरी पहाड़। अच्छा रामखैरी, तो गांव के पहाड़ का नाम है रामखैरी पहाड़, बचपन से हम लोग बोलते हैं। एक्चुअल नाम इस माउंटेन का नहीं पता है, ऐसे लोकल नाम है रामखैरी। ये नज़ारा, ये तो खेसारी का कटाई जो हो रहा था। और मेरा गांव देखिए खूबसूरत है, स्कूल वाला पोर्शन जो पहले आप देख चुके हो कभी कुछ ऐसा है। यहाँ से और हमारा डेस्टिनेशन रोटेट करते हुए इधर जाना है, उस पहाड़ पे। उतनी दूर अभी सफर तय करना है, बीच में इंतजार हो रहा है विजय सिंह का, वो आएगा तो साथ में चलेंगे। और ये चना का खेत, अच्छा खासा चना लगा हुआ है, देहाती चना। सर तो आपको बड़ा बड़ा मिलेगा, छोटा छोटा दाना होता है इसका। अभी तैयार नहीं हुआ है पर कुछ कुछ हो गया खाने लायक। तो ये सच्चा ना आपको दिखलाता हूँ, क्लास सिक्स में हमने कविता पढ़ी थी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, केदारनाथ अग्रवाल का। उसमें छंद है जिसमें अलसी का वर्णन किया गया है, अलसी तीसी जिसको बोलते हो। मैं दिखलाता हूँ कैसा रहता है, बैक कैमरा से दिखलाता हूँ। ये रहा अलसी, तो कुछ ऐसा था, लिए सी सकल सी, मुझे देखल सी लिए सी सकल सी, हिलाया झुलाया गिरा पर नकल सी। तो बेसिकली आप डुला करके देख लो, हिला झुला करके गिरेगा नहीं, और एक कलश जैसा आपको दिखेगा इस टाइप का है। तीसी अलसी जो भी बोलिए, शुद्ध हिंदी में अलसी। ये है हमारा गांव और कुछ इस टाइप का खेती। और चला जाए डेस्टिनेशन की तरफ। और रास्ते में देखिए जिसको जयराम बोरा मिक्स कॉम्बो खेती, अब क्या क्या दिखेगा। जौ, जौ यही जौ है बेसिकली, गेहूं का जैसा दिखेगा पर जौ है इसको। और जौ का क्या क्या आप देख लो, मटर भी आपको मटर भी दिखेगा, खेसारी मटर तो मैं तोड़ता भी हूँ, देहाती मटर है देखिए, दाना वाला तोड़ूंगा तब ना फायदा होगा। चना भी है, चना भी, ये देखिए चना भी है। तो मटर चना जौ सब कुछ है, ये देखिए, और पूरा अच्छी तरह से सब कुछ है इसमें। और ऑलमोस्ट हाफ दूरी तय कर चुके हैं, और पीछे से रोड है, रोड में गांव का ट्रैक्टर दिखा, हाँ ट्रैक्टर आ रहा है, आवाज आ रही है उसकी।
देखता हूँ इधर, भोजपुरी गाना बजा रहा है इसका राजा। और फाइनली ये पहाड़ आ चुका है, रामखेड़ी पहाड़। तो इस पहाड़ के ऊपर बचपन में चढ़े थे, फिर से चढ़ा जाएगा। तब ये ऊंचा हुआ करता था, अभी छोटा हो गया शायद, नहीं हाइट तो वही होगा, परसेप्शन चेंज हो गया देखने का हमारा। फाइनली नदी है और यहाँ पे मेरा खेत भी है। तो ये खेत की शुरुआत हो चुकी है। ये जो दिख रहा है पूरा पेड़ वाला, जो सूखा पेड़ गिरा हुआ है, पूरा मेरा है, ये पूरा खेत मेरा है। बगल में नदी है, देन पहाड़। सो फाइनली नदी, और लोग अच्छा यहाँ पे बोरिंग करके नदी का पानी से देखिए खेती सिंचाई लोग कर रहे हैं ऊपर में, और हम लोग ऑलमोस्ट पहाड़ के पास ही है। तो दिखलाता हूँ ये कैसा है। वाओ, नीट एंड क्लीन पानी, काफ़ी साफ है। क्या इसके अंदर ही बोर किया हुआ क्या? नहीं, मतलब ये जो जमा पानी है इसी से पूरा सिंचाई है। ऊपर में आपको डीजल दिख रहा होगा, ऐसा है मोटर है, इसके लिए मोटर लगा हुआ, लाइन भी आया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी है इसके लिए। और इन लोगों ने गड्ढा किया बालू को, नीट एंड क्लीन पानी है। तो ये पोरस जो साइड इसके हैं पोर्स, उन्हीं पोर्स से पानी आकर के यहाँ पे जमा हो गया। तो ऐसा है, तो हाईली पोरस तो वैसे सैंड होता ही है इसके लिए। सो दूर दूर तक नदी, दूर दूर तक नहीं मतलब पीछे पूरा नदी। और ये हैं लोग, इधर से नदी आ रही है, अभी तो सूख चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, कहीं पे पानी को बांध दिया गया। और हम लोग फाइनली चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ये है रास्ता, इस टाइप से रास्ता है ये पहाड़ की तरफ, दोनों जवान जाते हुए। एक तो सही में फौज है, जो आपको हाइट वाला दिख रहा होगा जयराम, तो फौजी कश्मीर से आया हुआ है, अभी रामखेड़ी पहाड़ चढ़ रहा है। और मैं भी धीरे धीरे चलूँगा लोग पीछे पीछे। तो चढ़ जाया जाए जयराम, जयराम फाइनली चढ़ जाया जाए। तो तुम्हारा कश्मीर वाला तो पहाड़ के बराबर कुछ भी नहीं है यार, हिमालय का तो 100 भी हाइट नहीं है। पहाड़ी तो, अरे तो पैदल चढ़ोगे तब ना उतना हाइट। हाँ, देखते हैं कितना देर लगता है। बाघ बाघ नहीं रहता होगा अब यार। अच्छा हाँ, दिखलाते हैं कहीं, कभी के जमाने में बाघ रहा करता था। अच्छा इसी में से तो पानी निकलता था ना, मीठा सा कहीं निकलता था, बाद गायब हो गया। तो जयराम पप्पू आगे आगे चल रहा है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। और फाइनली हम लोग आज इस पहाड़ को फतेह करने वाले हैं। तो धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ चलते हुए। आप चढ़ गए तो इतना नीचे से हम लोग आ चुके हैं, नीचे नदी गांव, इतनी हाइट तक हम लोग आ चुके हैं, और अभी बाकी है तो उसको चढ़ते हैं। देखिए हाइट है अभी, क्या बाघ वहीं रहा करता था क्या? क्या बात कर रहे हो? तो बाघ का मांद और घर बेसिकली एक जमाने में हुआ करता था। अभी कुछ प्रूफ मिलेगा नहीं, लेकिन पहले तो गांव वालों ने मारा भी है, पशु खा जाता था। अरे चिड़िया तो मुर्गा, अच्छा ये पिकनिक, ओ कभी बाघ रहा करता था ऐसा कहा जाता है, और हम लोग भी डरते थे बच्चों ने। अच्छा तो यहाँ वहाँ दोनों जगह इस टाइप का है बेसिकली, इसी से कभी मीठा पानी निकला करता था यार। आदमी है इसका, तो एक स्रोत दिख रहा होगा पानी का, मीठा पानी इस टाइप का। हो ये है नज़ारा, और पानी अभी भी, अभी भी पानी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। देखिए पानी दिख रहा होगा आपको, तो कभी साफ सुथरा पानी निकल रहा था, तो लोग पिकनिक मनाते इधर, ऐसा है।
था बेसिकली मेरे पीछे जो पानी का स्रोत, और रिसकर पानी आ रहा है बेसिकली कहीं से पहाड़ों के बीच में। अरे हम लोग देखिए इस टाइप का पहाड़ है, गिरूंगा यार, उठाओ पकड़ो, ए गिराना मत। तो फाइनली अभी अभी पहाड़ बाकी है, अभी तो ऊपर तक नहीं चलेंगे। जवान लोग इधर बैठा हुआ है, और ये पीछे का नजारा दिख रहा होगा आपको, पूरा गांव वगैरह। तो ये जवान लोग आगे आगे और मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, और चूँकि स्लीपर पहने हुए हैं चलने में दिक्कत हो रही है, जूता पहनने के बाद चलना आसान हो जाता है इन पहाड़ों पे, और बड़े बड़े पत्थर हैं, और ऐसा लगता है इसकी लाइफ काफ़ी है, बहुत पहले का उद्गम हुआ होगा इस पहाड़ का। तो आपको इस रॉक को देख करके पता चल जाएगा, और कुछ ऐसा है, प्लांट्स वगैरह भी हैं, बस प्लास वगैरह के अलावा कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं इस पर, कुछ झाड़ियाँ मिलेगा फुटुस वगैरह का। तो बढ़ा जाए आगे। सो ऑलमोस्ट चढ़ गए, थोड़ा सा बाकी है, और पीछे का नज़ारा दिखलाता हूँ। हाँ इतनी हाइट का आ चुके हैं, थोड़ी सी और है, ये थोड़ी सी हाइट बाकी है, और मैं दिखलाता हूँ गांव कैसा दिखता है यहाँ से बैक कैमरे से। नीचे चढ़ाई बाकी है, और हाँ राजकीय पुष्प झारखंड का आपको दिख रहा होगा, तो मैं कुछ जूम करता हूँ, नहीं तो पास से दिख रहा हूँ। देखिए पलास का फूल लाल लाल, देखिए क्या खतरनाक है। तो ये पलास इसी सीजन में फूलता है, और ये बेसिकली राजकीय पुष्प हमारा झारखंड का। और नज़ारा कुछ ऐसा गांव का। सो हमारा गांव कहीं दूर को दिख रहा होगा, ये तो ढमाकड़ी, इस रास्ते से हम लोग हैं राइट, वो पचमू हमारा स्कूल वहाँ दिख रहा है, आप ध्यान से हो तो। ऐसा है नज़ारा नीचे का गांव का। चलिए चला जाए टॉप पे। सो शेर तो नहीं, लेकिन यहाँ पे लोमड़ी था, अभी भाग गया, मैं कैप्चर नहीं कर पाया लोमड़ी। और देखिए ऊपर में प्लेन है, क्या बात है, हम ऑलमोस्ट आ गए, और इस टाइप का प्लेन, वाह। तो ऊपर भी क्रिकेट खेला जा सकता है, बताओ तो आपको हाइट पे चढ़ना हो खेलने के लिए, क्या बात है, छोटा मोटा क्रिकेट खेल सकते हो आप लोग। हाँ ऐसा मैदान है, सही है, हम लोग उस लोकेशन पे आ गए, मैं यहाँ से कुछ पिक लेता हूँ। देखिए ऐसा मैदान, पहाड़ों में मैदान, और उधर के गांव। फाइनली हम लोग मैदानी भाग में, मैदानी भाग में नहीं है, पहाड़ के ऊपर मैदान में। अच्छा ऐसा मैदान है ऊपर में, अब तो बैर वैर भी नहीं है, तो उस टाइप का यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं खाने वाने को। हाँ पलास तो हो गया, पहाड़ों में पलास हुआ है, दिख रहा था, फूल भी दिख रहा था आपको। हाँ फाइनली अब फोटो वोटो लिया जाए, तो गांव का नज़ारा है इस साइड फ्रंट साइड जिधर चल रहे थे हम लोग, कुछ ऐसा है। अब जब चढ़ ही गए तो पहाड़ के दूसरी छोर तरफ देख लिया जाए क्या है, तो हम लोग कोशिश करते हैं इस तरफ से चढ़ते हुए गए हैं उस तरफ का व्यू जो है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूरी पहाड़ की जो चौड़ाई है उसको मापते हुए बेसिकली अगले छोर पे। तो ये ऊपर में इतना चौड़ाई है बेसिकली, ग्राउंड की तरह आपको दिखेगा, और ये व्यू रहा, उधर भी पहाड़ है। कभी सरनी विवाह करती थी, मैं कभी जाया करता था बचपन में आगे वाले पहाड़ से। सो हम लोगों ने फतह कर दिया राम खेरी पहाड़ को, कैसा लग रहा है जयराम, केटू चढ़ने के बराबर था गांव के लिए तो केटू तो हमारे गांव का केटू यही है, द हाईएस्ट पीक नियर बाई गांव का। ऐसा तो यहाँ से तो और कुछ, इसके पीछे भी पहाड़ है बहुत सारा, तो ये गांव भी गांव है, पहाड़ गांव है, पहाड़ आपको मिलेगा। मैं निकलाता हूँ बैक कैमरे से, और चिड़ियों की चहचहाट आवाज आएगा इधर रहिएगा तो। ऐसा इस टाइप का नज़ारा है,
और इधर बिशनपुर गांव, और यहाँ से सारे तरफ का गांव आप देख सकते हो। चारों तरफ आपको दिखेगा कुछ ना कुछ। मैं पलाश का फूल बहुत करीब से दिखलाता हूँ आपको, जिसको मैंने बताया भी रस किए पुष्प, और जिससे गुलाल वगैरह भी कलर बनता है बेसिकली इस फूल। तो झारखंड का राष्ट्रीय पुष्प हमारे स्टेट का, और ये देखो इसकी फूल कितनी सुंदर होती है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं तो तुम खा कर देखो। शो ये देखिए कितना खूबसूरत है, और नीचे गिरा हुआ है काफ़ी। ये देखिए ये झारखंड राज्य का हमारा राष्ट्रीय पुष्प पलाश का फूल, और काफ़ी पाया जाता है झारखंड में। कैसा मीठा लग रहा है क्या? नहीं मुंह कलर हो जाएगा। मुंह खराब नहीं करेगा लेकिन। इसकी पिछली भाग इस पहाड़ का वो एक गांव है, बिशनपुर गांव है, इधर कुछ लोग बसे हुए। इधर देखिए काफ़ी पलाश हैं, फूल आपको दिख रहा होगा, और आम का मंजर भी। इसके लिए फाइनली बहुत सारे प्लांट्स हैं जो अभी इसके फ्लावर्स लगे हुए हैं, और फाइनली ताड़, जिससे ताड़ी निकलता है, तो ताड़ भी आपको दिख रहा होगा खतरनाक वाला, और नदी का पार्ट्स है। ये है इस साइड का पूरा व्यू। और फाइनली हम लोग लौटने की दिशा में, तो चलो पत्थर मारो। तो कितना दूर मार सकते हो पत्थर? मारो, पहाड़ पार कर पाओगे? मारो मारो, हाँ मारो मारो, नहीं पार हुआ यार, सब पहाड़ पे अटका रह गया। पहाड़ नहीं पार होगा, मतलब इतना चौड़ा ही है पहाड़ का, काफी चौड़ा है विड्थ, ऊपर में भी टॉप में भी विड्थ अच्छा खासा। तो हम लोग उतरने के कगार से रेस्ट कर रहे हैं, और टॉप ही ऑलमोस्ट है। पीछे में मैदान थोड़ा सा जो दिख रहा है आपको, मैं देखिए मैदानी भाग जो आपको बताया था। सो इसका सपाट एरिया जो इसके लिए बोलेंगे, चौड़ाई है ऊपर में, पहाड़ ऊपर में नुकीला नहीं है, इसके लिए चौड़ा है। और हम लोग फाइनली यहीं से ब्लॉक एंड करते हैं, और नीचे इतनी उतरना है देखिए, तो पलाश का फूल, और ये जो है नीचे नदी, तो उतना हम लोग को उतरना है। तो फाइनली हम लोग चलते हैं टिल्लेन बाबा है।